वेलकम टू ASC मास्टरमाइंड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वैश्वीकरण के कुछ MCQ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे ASC मास्टरमाइंड चैनल को ताकि आपके एग्जाम की तैयारी और भी आसान हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण एक अवधारणा है, यानी वरण किस तरह की एक अवधारणा है। ठीक है, यानी कि ये ए आर्थिक अवधारणा है, बी राजनीतिक अवधारणा है, सी बहुआयामी अवधारणा है, या डी सांस्कृतिक अवधारणा है। कहने का मतलब यह है कि ये जो वैश्वीकरण की अवधारणा है वो किससे जुड़ी हुई है, केवल और केवल आर्थिक से, केवल और केवल राजनीतिक से, या सी बहुआयामी है, या डी सांस्कृतिक है। तो देखिए, इसका आंसर बहुत आसान है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। ठीक है, इसका आंसर है सी, यानी कि वैश्वीकरण किसी एक चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ। जैसे कि हम कहेंगे कि वैश्वीकरण के केवल आर्थिक प्रभाव है, ऐसा नहीं है, इसके राजनीतिक प्रभाव भी हैं और सांस्कृतिक भी, इसलिए इन सभी को मिला के कहते हैं बहुआयामी, यानी एक से ज़्यादा आयाम है इसके। ठीक है, तो इसका आंसर है सी बहुआयामी, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, आपके सामने ये जो ऑप्शन है चार, इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव नहीं माना जाता। तो आपके सामने ऑप्शन है ए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार, बी खान पान में बदलाव एवं कंप्यूटर सेवा में विस्तार, या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका आंसर है बी खान पान में बदलाव। खान पान में बदलाव जो है ये एक सांस्कृतिक प्रभाव है। ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव है, ना कि आर्थिक। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। ठीक है, राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है वैश्वीकरण का कौन सा प्रभाव है, यानी कि राज्य जो है, यानी सरकार। ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पर सरकार, कि सरकार की ताकत में इजाफा हुआ है, तो ये वैश्वीकरण का कौन सा प्रभाव होगा, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, या उपरोक्त कोई नहीं। तो ये तो बहुत आसान है, राज्य यानी सरकार से जुड़ी हुई है, तो वैश्वीकरण का कौन सा प्रभाव है, ये बी राजनीतिक प्रभाव है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि WSF का विस्तार रूप लिखिए, यानी कि WSF का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितना याद है और कौन कौन सी चीज़ आपको याद है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के अधिकतर हिस्से में जीन्स पहनना एक डैश प्रभाव है। तो विश्व के अधिकतर हिस्से में जीन्स पहनना ये किस प्रकार के वैश्वीकरण का प्रभाव है। तो खान पान में यह हो या पहनावे में बदलाव हो, तो ये एक सांस्कृतिक प्रभाव होता है। तो इसका आंसर आएगा सांस्कृतिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव नहीं है। यानी हम जानते हैं वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक यानी कुछ अच्छे और कुछ नकारात्मक यानी कुछ बुरे प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है सिक्स्थ क्वेश्चन के, तो उनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट है जो सकारात्मक प्रभाव ही नहीं है। ठीक है, वो सकारात्मक प्रभाव नहीं है बल्कि नकारात्मक प्रभाव है इसमें, तो ढूंढना है आपको। तो देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव नहीं है। ए वैश्विक व्यापार में वृद्धि, बी रोजगार के नए अवसर, सी जीवन स्तर में सुधार, या डी मूल संस्कृतियों पर दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव। इसका आंसर है डी मूल संस्कृतियों पर दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव। ये एक सकारात्मक प्रभाव नहीं है, ये एक नकारात्मक प्रभाव हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। तो इसका आंसर बिल्कुल मैंने सामने लिखा है। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखा है मैंने, और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। देखिए, लेफ्ट साइड में ABCD करके जो दिया हुआ है उसको आप वैसे ही रहने दीजिए, और इसका आंसर जो है बिल्कुल उसके राइट साइड में लिखिए, बिल्कुल उसका आंसर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है पेपर में। ठीक है, डायरेक्ट उसके सामने उसका आंसर लिखना है। तो विचारों का मुक्त प्रवाह एक वैश्वीकरण है, बर्ड फ्लू एक बीमारी है। ठीक है, ये वैश्विक घटना से जुड़ी हुई है। बर्ड फ्लू जो है ये एक संक्रमण वाला रोग है। ठीक है, तो बर्ड फ्लू एक वैश्विक घटना है। सरकार की कार्यक्षमता में कमी, ये किस प्रकार का प्रभाव है, एक राजनीतिक वैश्वीकरण है ये। जीन्स का प्रचलन, जीन्स जो है अलग अलग देशों में अब पहना जा रहा है। ठीक है, शुरुआत में किधर से आई थी, पश्चिमी देशों से। ठीक है, लेकिन अब जो है अलग अलग देशों में भी पहना जा रहा है, तो ये क्या है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण। तो इस तरह से आपको उसके सामने उसका सही आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडोनलीकरण क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा, ठीक है, हालांकि बहुत से स्टूडेंट सही आंसर देते हैं, तो जिनका आंसर सही होगा उनमें से किसी एक का मैं पिनअप कर दूँगा आंसर। ठीक है, ताकि जिनको नहीं आता, जिनको समझ नहीं आता, वो उस आंसर को देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन, ये जो है सत्य असत्य हैं। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, कुछ स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं, कुछ सही, तो आपको बताना है। क्वेश्चन है WSF की पहली बैठक 2001 में पोर्टो अल्गेरे में हुई। क्या ये सही है कि WSF की पहली बैठक जो है 2001 में पोर्टो अल्गेरे में हुई थी।
तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है, बिल्कुल सही है कि WSF की पहली बैठक 2001 में पोर्टो अल्गेरे में ही हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका और यूरोपीय फर्मों ने तुलसी के पौधे को पेटेंट कराने का प्रयास किया, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। अमेरिका और यूरोपीय फर्मों ने तुलसी के पौधे को नहीं बल्कि नीम के पौधे को पेटेंट करने का प्रयास किया था, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक और बात बताना चाहता हूँ आपको कि सेकंड बुक जो है पॉलिटिकल साइंस का, उसका मैंने फर्स्ट चैप्टर अभी इनकम्प्लीट किया है, यानी इनकम्प्लीट है वो, अभी वो कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो ये जो चैप्टर्स हैं वो बहुत जल्द मैं कम्प्लीट करवा दूंगा, हो सके तो कुछ दिनों बाद ही आपको देखने को मिल जाए, नहीं तो आपको 23 तारीख के बाद जो है ये आपको देखने को मिल जाएंगे, 23 सितंबर से, ठीक है? फिलहाल जितना मैंने अपलोड किया है वो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? 23 सितंबर के बाद मैं वो चैप्टर भी कंप्लीट कर दूंगा और साथ ही साथ हिस्ट्री का भी आगे का जो भी चैप्टर्स है वो भी कंप्लीट कर दूंगा। फिलहाल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ और मैथ्स और जो कार्टून्स रह रहे थे वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा जल्द, और जो चैप्टर्स है वो आगे मैं 23 सितंबर से अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं आगे की वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है आपकी NCERT बुक से लिया गया है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी आपके सामने ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, चार ऑप्शन, इनमें से कोई एक बात बिल्कुल सही है वैश्वीकरण के बारे में और बाकी गलत है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है, वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। ख, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। ग, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। या घ, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो देखिए इसका सही आंसर है घ, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में इन चार में से कौन सा कथन बिल्कुल सही बता रहा है? तो क, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, यानी अलग अलग रहा है। या सभी देशों और समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान रहा है। या वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक ही सीमित है। या वैश्वीकरण से अनिवार्यता सांस्कृतिक समरूपता आती है। तो देखिए इसका सही आंसर है क, विभिन्न देशों और समाज पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो विषम रहा है, यानी अलग अलग रहा है, ठीक है? किसी देश पर अलग प्रभाव पड़ रहा है, किसी दूसरे देश पर थोड़ा अलग प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी वैश्वीकरण का सही कारण कौन से में बताया गया है, कौन से ऑप्शन में? क, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, यानी टेक्नोलॉजी है। या ख, जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। या ग, वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। या घ, वैश्वीकरण एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। तो देखिए इसका आंसर है क, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी ही है, ठीक है? यानी टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से वैश्वीकरण शुरू हुआ है। जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब के आने से ही तो सूचना का प्रसार एक स्थान से दूसरे स्थान होने लगा है। जब से अच्छी टेक्नोलॉजी आई तब से आने जाने के साधन अच्छे मिलने लगे हैं। जहाज़ है, ठीक है, इनसे हम हवाई जहाज़ से एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। ट्रेन है, ठीक है, इन सब टेक्नोलॉजी के आने से ही वैश्वीकरण शुरू हुआ है, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर वैश्वीकरण के बारे में कुछ बातें हैं, तो उनमें से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है, वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। या ख, वैश्वीकरण के मूल्यों का संघर्ष नहीं होता। वैश्वीकरण के अंगों के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है। या वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। इसका आंसर है घ, वैश्वीकरण का जो संबंध है वो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, यानी कि विश्व स्तर पर आपसी जुड़ाव से है, ठीक है? आपस में जुड़ चुके हैं एक एक देश दूसरे देश से, ठीक है? तो यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत कथन बताना है आपको। तो क, वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। ख, वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज़्यादा बढ़ेगी। ग, वैश्वीकरण के पैरोकार का तर्क है, यानी जो पैरवी करते हैं, मानते हैं वैश्वीकरण को, उनका तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। या वैश्वीकरण के आलोचकों का, जो आलोचक हैं वैश्वीकरण को सही नहीं मानते, उनका तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। तो कौन सी बात सही है इसमें से वैश्वीकरण को लेकर? तो देखिए घ इसका आंसर है, वैश्वीकरण के आलोचक कभी ये नहीं कहते कि सांस्कृतिक समरूपता आएगी, ठीक है? तो इसका आंसर है घ, ठीक है? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे की जो भी वीडियो है वो मैं अपलोड करता रहूँगा, और जो चैप्टर्स की वीडियो है वो 23 तारीख के बाद से ही अपलोड करना शुरू कर दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।